my god. जनार खान, ये क्या तुम बर्लास को सजा दिया हुआ है? बड़ा एक दिन में उसका निशाना पक्का करवाएगा। बुलाओ उसको। दुश्मन का नजर से देखेगा तो एक दिन क्या, एक मिनट में निशाना पक्का होएगा। हमारा बात ठीक है, पर अभी उसको बुलाओ। जाओ शाबाश। बर्लास खान, मौका दिया था तुम्हें कि बंदा मार के पूरा मत बनो, जाया किया तुम। सोई उड़ गए खान। आज फखर हुआ अपना बच्चे पे, और ये जो गुस्सा है ना, ये मर्द का मेकअप होता है। आजो। आज तुम्हारा दिल यहाँ आने को कैसा किया? पता नहीं, बस चलते चलते ऐसे ही आ गए। तुम अपाना की माँ से पूछ के अगले महीने का कोई तारीख बताओ मुझे। ठीक है बाबा। बाबा तुम बादशाह खान से बात करो। मैं सोच रहा था कि अपाना और पामीर शादी के बाद इधर रहें तो बहुत अच्छा होगा। कि तुम क्या नया बात निकाल के बैठ गया है? हम दुश्मनदार लोग हैं गुलाब खान। हम सब एक जगह होगा तो दुश्मन उसको अपने लिए अच्छा मौका समझेगा। कावा पियो, बाकी बात बादशाह के आने पे करेंगे। वो बरेरा बाजी के कमरे में। कौन वो? अपाना। मैं उसे तो नहीं ढूंढ रहा। ढूंढना तो उसी को चाहिए, वक्त बहुत कम है तुम दोनों के पास। क्या बात, परेशान? वो मैं बाबा को ढूंढने आया था। तुम्हारा बाबा और हमारा कमरे में ना बच्चे। परेरा बाजी बाहर आए, जल्दी जल्दी। क्या हुआ जामदा? वो तो आ रहा है तुम्हें लेने। तो मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ तो करना पड़ेगा ना। तुम कर सकता है तो कर लो, मैंने तो आंख भी झपका तो मार देगा बाबा।
जा रहे हो? तुम हमें क्यों मरवाना चाह रही हो? मैं तो रास्ता बना रही हूं। किस बात का? मोहब्बत करना ना गुनाह नहीं है। पहले अपनी मोहब्बत को खुद तो मान लो, बाकी बात में मान जाएंगे। तुम हमारे लिए रास्ता बना सकती हो? रास्ता तो तुमने खुद निकाला है। मैं तो तुम्हें सिर्फ इतना बता रही हूँ कि मोहब्बत इज्जत की तरह होती है, वार ले चाहे तो। तुम ये बात अपना आप से भी ना करना। यहाँ मेरे पास सिर्फ आंखें और कान है, जुबान नहीं है। फिर भी बाबा के दिल में रहम नाम का कोई चीज नहीं है। मुझसे बेहतर ये बात कौन जान सकता। इसीलिए कह दी किसी को ना कह। मोहब्बत बताई थोड़ी जाती है, मोहब्बत तो खुद बोलती है। हमारा मोहब्बत तो खामोशी था और अब हमेशा के लिए हो गया। आमिर कैसे? पता नहीं, आमिर को देख रहे तो इतने साल होगा और अब जिंदगी भर देखना होगा। बरलास अगर चाहे तो कुछ कर सकता है। सिंह जवान मर्द है, बाप के जितना कद है। सबसे बात करेगा ना, मुझे लगता है सब मान जाएंगे। ओ बच्चे लोग, ओ इतने रात को तुम लोग क्या कर रहे? कुछ नहीं, वो शादी की बातें कर रहे हैं। ओ अच्छा, सही है, करो करो। नहीं, हमको किसी से कुछ नहीं कहना। लेकिन तुम बर्लास से जरूर कहना। तुम ठीक कहते हैं शनार खान, अभी हुकूमत का लोगों से बात करना अपने गुलाब खान का बस का बात नहीं है। अभी इसको गिनती विनती कर दे दो, बात खुद करो। अभी जल्दी जाओ, उन लोगों के पहुंचने का टाइम हो रहा है। अब जा रहा है, जा रहा है। शाबाश। सोच रहा है? नहीं,
कुछ नहीं। तो ऐसे रास्ते में क्यों खड़ा? भूख लगा है, कुछ खिला दो। अभी जल्दी जाओ, उन लोगों के पहुंचने का टाइम हो रहा है। अब जा रहा है, जा रहा है। अजामदा, अजामदा, गुंदा वा आटा खत्म हो गया है। गुंदा नहीं था? नहीं। सुने, आज दिन क्या है? जुमेरात है। क्यों? नहीं कुछ है। तुम्हें कहा भी था आप शादी के बाद मिलेंगे, कम वक्त रह गए, तो फिर क्यों आए? एक जरूरी काम है। ऐसा भी क्या जरूरी काम? आज जुमेरात है। तो चादर को हाथ लगाओ। इससे क्या होगा? असल में हर जुमेरात को मैं जाता हूँ मजार। आज तुम्हारे नाम की चादर मैं वहां पे चढ़ाऊंगा। बिस्मिल्लाह। अरे खाना नहीं खाएगा तो बड़ा कैसे होगा? चलो चलो शाबाश, छोटी अम्मी के हाथ से खाएगा। इसका भी दिल लग गया है जमदा के साथ। हमको अच्छा नहीं लगता, वो हमारा बच्चा को हाथ भी लगाए। क्यों? उसका हाथ गंदा है क्या? अकल करो, प्यार करता है हमारा बच्चे से। नहीं सुनता ना हमारा बात? ठीक, अब तुम्हें अकेला बिठा के खाना खिलाओ। चलो। नहीं, छोटी अम्मी के हाथ से खाएगा। चलो चलो उठो। नहीं, छोटी अम्मी के हाथ से खाएगा। चलो चलो, छोटी अम्मी के हाथ से। ज्यादा बातें ना करो। बहुत मोहब्बत करने लगा है तुमसे। बच्चों को नफरत का नहीं पता होता, इसीलिए हम भी उसका बाप है, डबल मोहब्बत करते हैं। वो मुझे मजार जाना था। उधर क्या है? चादर चढ़ानी है, दुआ खैर मांगनी है। सब खैर तो है, कोई जादू टोना करना है? अपाना की शादी के लिए दुआ करनी है। उसका शादी का तुम्हें क्यों फिक्र हो गया? उसने मुझे दुआ मांगने को कहा था। मैंने सोचा मजार जाऊंगी, खैरात भी हो जाएगी और दुआ भी मांग लूंगी। ठीक है ठीक है। आज शहर से बड़ा जरूरी मेहमान आया, हुकूमत का लोग है, तो उनसे मिलना है। ठीक है। जुमेरात को बहुत फकीर लोग आते हैं मजार पे। जुमेरात तो आज, इसीलिए तो इजाजत मांग रही हूँ। तुम अच्छी तरह से जानता है कि हमारा औरत लोग इस तरह से बाहर नहीं जाता। कितना दुश्मनदारी है हमारा। मुझसे बेहतर ये बात कौन जान सकता है? वो मैं सोच रही थी बरलास के साथ चली जाती हूँ। आज ना जा सकी तो अगले जुमेरात पे पड़ जाएगा। तो अगला जुमेरात भी तो आएगा ना। दुआ खैर के लिए भी कोई इंतजार करता है भला? अल्लाह, तुम कैसा बातें करता है कभी कभी। कहता है अंबर लाश को, चला जाओ तुम उसके साथ, लेकिन अपना ये जो शक्ल है ना,
ये ठीक कर। ठीक है। तुम क्यों कर रहे हो सर? तुम दोनों के लिए तुम्हारे ख्याल में कुछ हो सकता है? कहते हैं ये बातें करना ठीक नहीं, इसलिए मजार जा रहे हैं। बरनाज खान, नफरत की कहां आग बुझती है, सांस ले तो सांस दुखती है। घर में हर दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, सबका खैरात जरूरी है। ये तो है, मैं तो बहुत दुआ करती है। चिनार खान ने भी कहा था कि जाओ सदका दे आओ। अभी जाना है? हाँ, शाम में जा नहीं सकेंगे ना। बरेरा, तुम इनके साथ जाओ, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, वरना मैं इनके साथ जाती। नहीं, तुमको छोड़ के हम कैसे जा सकता है, अपना हालत तो देखो। मैं आपके लिए दुआ कर लूंगी। वैसे भी मजलूम की दुआ जल्द कबूल होती है। मेरी दुआ में इतना दम तो जरूर होगा कि आपकी तबीयत ठीक हो जाए। आपके लिए भी दुआ करूंगी, बल्कि इस घर के सभी लोगों के लिए दुआ करूंगी। बधाई दे खुशहाल साता, क्या कुछ नहीं हो गया तुम्हारे साथ, और फिर भी तुम इस घर के बारे में इतना अच्छा सोचती हो। कुछ और रहा ही नहीं सोचने के लिए। चले अब अफजा, खुदा पमान। अगर मोहब्बत हो गई इसकी तो पहले किसी को किसने बताया? इसलिए क्योंकि मोहब्बत सोच के नहीं होती है। लेकिन मोहब्बत के बाद तो सोचना होता है ना। अब बात निकली तो खून खराबे के अलावा और कुछ नहीं होगा। अगर एक दूसरे का साथ ना मिला फिर भी रोज मारो। तुम्हारे पास कोई रास्ता है? मैं तो बस ये चाहती हूँ कि अगर नीयत अच्छी हो ना तो रास्ते निकल आते। इसलिए तो मजाक लेके जा रही। क्या मतलब? तुम चाहती है कि हम शादी कर ले अभी उधर ही? हाँ, अगर कर लोगे तो कोई कुछ कह नहीं सकेगा। नहीं नहीं, सबको मार देगा बाबा। ये तो बहुत बड़ा फैसला है, बड़ा गलत हो जाएगा। जो अभी हो रहा है वो भी गलत है।
ये क्या कह रहा है बरला से? ऐसा कैसे हो सकता है? देखो परेशान होने की कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ एक आइडिया दे रही थी। आखिरी फैसला तुम्हारा होगा। हम दोनों को इसलिए मजार पर लेकर जा रही हूँ, अकेले बैठो और फैसला करो। जाके बात करो। तो यकीन ही खो बैठी थी तुमसे मिलने का। फिर याद आया तुम हर जुमे रात मजार आते हैं, तो इसलिए आज चली आई। मामा कैसे हैं? ठीक है। तुम उनको अपने पास ले जाओ। घर नहीं छोड़ना चाहती, एक दो बार कोशिश की, तुमसे करने को उनका ख्याल रखूंगा। मैं पता चला चुनार खान का बेटा असफल खान मर गया। ये नफरत का रास्ता भी ना बिल्कुल मोहब्बत की तरह होता है। और मैं इस रास्ते पे निकल आऊंगी। अभी तो सिर्फ एक लाश उठी है, तो राव खान के घर में गिनती करने वाला कोई नहीं होगा। तुमने मारा चना खान के बच्चे को? मैंने शुरुआत कर दी है, तुम्हें मेरा साथ देना होगा।
मैंने सुना है कि बादशाह खान आ रहा है। सब नाम याद हो गए तुम्हें? नहीं, अब तो मैं सब भूल गया हूँ। तो सिर्फ अपने दुश्मन का नाम याद है, और जहां जहां उसका खून है बस वो याद है। आमिर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें? अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता। शुक्र है जमदा चाची ने किसी को बताया नहीं, हर वक्त डर लगा रहता है। नहीं, वो हमारे साथ है, लेकिन अभी उसके पास भी रास्ता नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, बात की तो मौत। मौत तो वाकई है। तो फिर क्या करे? हर दिन सोचता रहता हूं कि बाबा से बात करूं, वो चाहे तो हो सकता है कुछ। और अगर ना चाहे तो? पाना भी मेरे आगे भी दीवार है, या तो दरवाजा ढूंढूंगा या दीवार तोड़ूंगा, कुछ तो होगा। चनार चाचा मान जाए शायद। तो फिर क्या फैसला किया तुम दोनों ने? अभी फैसला कर रहे हम लोग। अपने डर को अपनी मोहब्बत से बड़े ना होने देना, बाकी तुम दोनों की अपनी मर्जी है। Thank you.
दुश्मनी एक कत्ल से ख़त्म नहीं होता है, बल्कि असल दुश्मनी उसके बाद शुरू होता है, और उस वक्त तक ख़त्म नहीं होता है बादशाह खान जब तक खई ना हो जाए। मैंने बच्चों लोग को समझाता है कि बंदे को मारो नहीं, उसको डराओ, सारा खेल डर का है। अभी दरवेश खान को खई करना हमारा मजबूरी बन गया था। दरवेश खान को खई करके आपने अच्छा किया है बाबा, उसका नियत में खराबी थी। शाबाश, तुम ठीक बोला है। चनार खान, हमने उस लड़की को नहीं देखा, अब बाबी को, उसने तो सलाम भी नहीं किया। ऐसा कैसे हो सकता है लाला, अभी दिखाता है आप। ऐसा बात नहीं है बादशाह खान, वो बहुत समझदार लड़की है, अच्छा बच्चा है, बहुत जल्दी उसने इस घर को अपना घर माना है। इसके लिए तो हमें लाला को आफरीन कहना चाहिए। आमिर खान तुम बताओ कैसे? मैं ठीक हूँ, आप सब लोग हमें बहुत याद आते थे। हमको मालूम है हम तुमको क्यों याद आता है। गुलाब खान तैयारी करो, शादी का तारीख दो भाई, हम अपना पोता का शादी बनाता है। और पामिर खान अभी तुम वापस नहीं जाएगा, इधर रहेगा अपना दादा के पास, अपना चाचा के साथ कारोबार में उसका हाथ बटाएगा। जी बाबा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अपाना कितना खूबसूरत हो गया है। क्यों, मेरी बेटी पहले खूबसूरत नहीं थी? पहले भी खूबसूरत था, मगर अब देखो छछे बतूर नजर ना लगे। वो नया दुल्हन की तरह नजर नहीं आ रहा। किसका दुल्हन? चनार खान का, और किसका? दुल्हन नहीं है, दुश्मन से जीत का निशान। तुम्हारा कहने से क्या होता है? है तो वो चनार खान के निकाह में, नहीं? चनार खान हमारा है, उसका निकाह में है तो क्या हुआ? मोहब्बत में बड़ा ताकत होता है। बरेरा से पूछो, इसको कभी मोहब्बत मिला ही नहीं। बरेरा पे तो तुम्हारा जोर चलता है, जरा जमदा से बात करके देखो, वो तुम्हें जवाब दे। इतना जुरत नहीं है उसका क्या हमको जवाब दे। खैर हमको मिलाओ तो सही, हम देखेगा और खुद फैसला करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बख्तावर, मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम इसको देखोगी तो देखती रह जाओगी। बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल फूलों जैसी। अच्छा चलो चलो, उसको छोड़ो और अपाना की शादी का तैयारी करो। इतना औकात नहीं है इसका जितना बात हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। पामीर, इससे मिलो, ये चनार खान का दुल्हन है। हेलो। सॉरी।
अभी तुम इधर क्या करता है? जाओ नीचे मर्दाने में जाओ। ठीक है तो छोड़ो ये सब कुछ, बैठ कर पढ़ो। अम्मा मुझसे नहीं होती है ये पढ़ाई। पामीर खान पढ़ा लिखा है, तुम थोड़ा पढ़ लिख जाओगी तो आदमी के सामने तुम्हारा इज्जत होगी। मुझे बनानी भी नहीं है ऐसी इज्जत। अभी ये सारी किताबें देख के जो मेरे सर में दर्द होता है, मैं ये किताबें पामीर खान के सर पे मार सकती हूँ क्या? नहीं ना, तो फिर मुझे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, पढ़ना है तो पढ़ो, हम पे एहसान मत करो। मुझे करना भी नहीं ऐसा एहसान किसी पर। देखो मुझे जाने दो। मैं जब से यहाँ आया हूँ तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। मुझे बात करनी है तुमसे। क्या बात करनी है, जल्दी करो। ये एक बात थोड़ी करनी है, बहुत सारी बातें करनी। देखो मुझे जाने दो, बाबा आ जाएगा। क्या हो गया यार, हमारी शादी होने वाली है। पामीर!